संयुक्त किसान मोर्चे वालों ऐलान किया गया सी कि ओ दुशहरे वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के पुतले नहीं फूकणगे, क्योंकि उस दिन हिंदू भाईचारे दी भावनावां नूं ठेस पहुँचती है, जिस दे तहत 16 अक्टूबर नूं पंजाब पद्धर ते जिला भर विच ब्लाक ते पिंड पिंड विच नरेंद्र मोदी अते अमित शाह दे पुतले रावण दे रूप विच फूकण दा ऐलान किया गया सी। अते अज नाभा ब्लाक दे पिंड तुंगा विखे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे वल्लों नरेंद्र मोदी अते अमित शाह दा पुतला फूकिया गया। उन्हां कहा कि केंद्र सरकार जदों तक 3 खेती कानून रद्द नहीं हुंदे उदों तक साडा संघर्ष लगातार जारी रहे। यह है नाभा ब्लाक का पिंड तुंगा, जिथे दर्जना किसान औरतों वालों नरेंद्र मोदी अमित शाह का पुतला फूक के रोस मुजहरा कर रहे हैं और लगातार 3 काले कानूनों के खिलाफ रोस मुजहरा कर रहे हैं। यह पहला मामला नहीं है। बीते साल दुशहरे वाले दिन भी किसान जथेबंदियों वालों अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के रोस मुजहरा किया गया सी। अज मोदी सरकार दे पुतले फूके ने ये संयुक्त मोर्चे तो जो अपने बहुत ही सूझवान आगू बैठे ने उपर उन्होंने फैसला किया कि दुशहरे वाले दिन जो अगर आप पुतले फूकते हैं एक धार्मिक जिहड़ा अपना प्रोग्राम उन्होंने जिहड़ी मोदी सरकार है ये उन्होंने किसी गलत तरीके ना लैके चली जाए, क्योंकि लोगों के दुफाड़ ना किया जाए कि भी ये दुशहरे वाले दिन मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं। इस करके संयुक्त मोर्चे वालों कॉल आई है कि आपने 15 या 16 तरीक नूं पुतले फूकने ने मोदी दे अमित शाह उन्हां दे केंद्र सरकार दे, क्योंकि अज असीं ने सारे पंजाब दे विच वख-वख थावां दे उत्ते बहुत वड्डी गिणती दे विच माता भैणां इकट्ठियां हो के ये मोदी सरकार दे पुतले फूके ने। इस करके असीं कल क्यों नहीं फूके जिवें तुहानूं दस के हटे, क्योंकि कल जिहड़ा दुशहरे दा तिहार सीगा अपने संयुक्त मोर्चे ने एक दिन लेट करके ये अज मोदी सरकार दे सारे पंजाब दे विच पुतले फूके ने जी। क्योंकि जी ये इलैक्शन आ रही है 2022 की आ रही है, चाहे 2024 की होलैक्शन वो असी ने पूरा जोर ना ये जी BJP सरकार है पूरा विरोध डट के करते रहेंगे और करते रहेंगे। उस तो बाद जिस तरह कि 2022 के पंजाब और UP इलैक्शन आ रही ने, जिस तरह हूँ अपना बहुत बड़ा उत्थे दुखांत होया लखीरी दे विच उहदे विच किसानां नूं दड़ के मारिया गया। जिवें दुशहरे वाले दिन तुसीं देखिया छत्तीसगढ़ दे विच उहदे विच भी किसानां दे उपर BJP दे उपरों गड्डी चढ़ा के, क्योंकि ये सरकारां ना बुखलाहट दे विच आ चुकियां ने, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके इन्हां दे विच आपस विच पाड़ पा के असीं 2022 तो पहलां ये जिहड़ा चल रहा संघर्ष आ उहनूं असीं खदेड़ दईए, पर यह संघर्ष असी पूरे कामयाबी नाल लैके चलांगे, क्योंकि जिहड़ियां इलैक्शनां 2022 दे विच आ रहियां ने उहदे विच असी महापंचायतां जिस तरह नखलऊ दे विच भी असी करन जा रहे हां, महापंचायत पहलां भी कीती आ, उस तरह
पूरे जोर दे नाल बीजेपी का विरोध करांगे। बीजेपी नूं असीं किसे हाल दे विच जित्तण नहीं देवांगे। किसानां दी हितैषी का कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि आपां देखदे हां क्योंकि जिहड़ियां सारियां सरकारां ने इक्को चट्टे बट्टे ने, कोई किसानां दी हितैषी नहीं हन। असीं 11 महीने तों उपर दिल्ली दे विच बैठे हां, जे साडे हितैषी हुंदे 700 तों उपर शहीद हो गए साडे। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤੈਸੀ ਜਿਹੜੇ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਤੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਿਟਲਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੋਂ ਯੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਸਨੇ ਇਹ। ਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨਾਭੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬਲਾਕ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇਗੇ ਇਹਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੂਕਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।